आज हमारे साथ मौजूद है जिला आबकारी अधिकारी रामकृत राम। होली के पर्व पर आबकारी विभाग क्या अभियान चलाने जा रहा है, इस बारे में हमने उनसे बात की, आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी, होली का पर्व नजदीक है, ऐसे में होली के पर्व पर आबकारी विभाग अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर क्या कार्रवाई करेगा? ये जो है पुलिस के सहयोग से जी पूरे जनपद में प्रभावी प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है जी, और इसमें अब तक जो है 214 लोग पकड़े गए, उनके कब्जे से 2817 लीटर शराब बरामद हुई जी, और मौके पे जो है 9941 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया जी, और पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि कोई भी अवैध शराब का न निर्माण करे, न बिक्री करे, न संचय करे। हमारे दोनों इंस्पेक्टर जो है बिल्कुल 24 घंटे लगे हुए हैं और बिल्कुल सतर्क हैं कि किसी भी तरह का अवैध मदिरा की बिक्री ना हो सके। और इसी के तारतम्य में होली के पर्व को देखते हुए आम जनता से हमारी अपील भी है कि अवैध स्थानों आपलिक अड्डों से कोई भी अवैध शराब को खरीद कर उसका सेवन न करें, क्योंकि वो विष भी हो सकती है और उसमें मिथाइल अल्कोहल हो सकता है और वो जहरीली होती है। इसलिए सतर्क रहें कि अवैध स्थानों और अड्डों से शराब जो कदापि न खरीद कर पिएं। होली का पर्व आ रहा है और ऐसे में अवैध शराब की बिक्री ज्यादा होती है, अवैध शराब बिक्री करने वालों पर आपका विभाग क्या कार्रवाई करने जा रहा है, क्या तैयारी करने जा रहा है? अभियान चल रहा है सतत जी, बहुत पुलिस का सहयोग से सतत अभियान चल रहा है कंटिन्यू। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आम जनता को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अवैध स्थानों और अड्डों से जो है अवैध शराब का सेवन न करें खरीद कर, क्योंकि वो जहर हो सकता है। ये थे जिला आबकारी अधिकारी रामकृत राम, जो कि जनता से अपील कर रहे हैं कि अवैध शराब का सेवन ना करें, ये विष भी हो सकता है और इससे आपकी मौत भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट थॉमस मशहूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।